सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आप बहुत लोग वेट कर रहे होंगे मेरी वीडियो का कि प्रियांशु वीडियोस नहीं अपलोड करता आजकल, कंसिस्टेंट नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूंगा, अगर जितना भी मेरे से हो पाया, ठीक है। तो मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूंगा और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कनाडा के रिलेटेड, कि क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, वो भी बाद में हम शेयर करेंगे। होता क्या है, जब हम वर्क परमिट पे आ जाते हैं ना, तो हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा सुपर बिजी हो जाती है। एक तो पीआर की टेंशन होती है, ऊपर से घर वालों को बुलाना होता है, और रिसेंटली अब घर वालों को बुलाना है, उसके लिए विजिटर वीजा अप्लाई करना है, फिर उसके बाद घर लेने के लिए पैसे जोड़ने हैं, तो बहुत सारे काम चलते रहते हैं। इसकी वजह से थोड़ी सी लाइफ बिजी हो जाती है, और आई होप आप लोग समझते होंगे इस चीज को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के बारे में। ट्रेडिंग फ्रॉड जो होता है, हर एक इंटरनेशनल के स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, और उनको टेक्स्ट मैसेज जरूर आते हैं इसके रिलेटेड। हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे ना, फेक प्रोफाइल्स बनती हैं क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के रिलेटेड। अब वो जो फेक प्रोफाइल्स बनती हैं क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड के रिलेटेड, उससे होता क्या है, उससे आप लोगों का नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा एक प्रियांशु अंडरस्कोर व्लॉग्स वन है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे नाम पे फेक आईडी बनाते हैं, और मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनसे वो क्रिप्टो करेंसी का स्कैम, मतलब स्कैम करने की कोशिश करते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपकी जो $500 की जो इन्वेस्टमेंट होगी आपको $10,000 बना के दे देंगे, ये वो। बट मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि जिंदगी के अंदर जब भी आप कनाडा आ रहे हो, ये मैसेज सभी के लिए है और इन्फॉर्मेटिव है, और सभी को पहुंचा देना ये मैसेज, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान सेफ रहे अपनी कम्युनिटी के अंदर और अपनी हार्ड अर्न मनी ना लूज करे। सो सबसे पहली चीज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर कोई भी क्विक रिच स्कीम नहीं है। अगर आपके पास कोई इंसान आता है और कहता है कि आपको मैं $10,000 बनवा दूंगा, या $500 आपने इन्वेस्ट करना है बिटकॉइन मशीन के रिलेटेड, कोई भी आपको मैसेज आता है कि आप मनी अपनी डिपॉजिट करो, फेक चेक देते हैं, आप अपने अकाउंट में वो डालो और बिटकॉइन के थ्रू हमें वो मनी भेज दो, या फिर मैं आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एक वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं, वो बिटकॉइन ट्रेडिंग की वेबसाइट होती है। हाउएवर, यहाँ पे मिलियंस ऑफ वेबसाइट हैं इस दुनिया के अंदर जो फेक वेबसाइट होती है और स्कैम वेबसाइट होती है। डोमेन बाय करना कोई बड़ी बात नहीं है, डोमेन बाय कोई भी कर लेता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अपना ध्यान रखो इस चीज का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपने पैसे गंवा दिए हैं। होता क्या है कि एक फेक प्रोफाइल से आपको मैसेज आता है और आप समझते हो कि ये तो हमारा फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो हमें मैसेज कर रहा है। फिर उसके बाद वो पूछता है बंदा कि क्या आपने ट्रेडिंग की है, तो फिर वो बंदा रिप्लाई करता है, नहीं मैंने अभी ट्रेडिंग तो नहीं किया, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, मुझे आप सिखाओगे। तो जो मेरी फेक आईडी होती है, किसी और की फेक आईडी बनाई होती है, तो वो उस नाम का फायदा उठा के क्रिप्टो करेंसी का स्कैम कैसे करते हैं, वो एक फेक वेबसाइट पे आपको ले जाएंगे और आपको एक फेक प्रोफाइल बनवाएंगे, और उसके अंदर आपको कहेंगे कि सबसे पहले आप बिटकॉइन भेजो इस एड्रेस पे, तो फिर आपको कहेंगे कि ये एक्सचेंज डाउनलोड करो और बिटकॉइन भेजो इस एड्रेस पे। जब आप वो एक्सचेंज डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद वो कहेंगे कि अपने वो एक्सचेंज के अंदर पैसे डालो, $500 के बिटकॉइन खरीदो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदो और मुझे सेंड कर दो। तो फिर वो आप अगर उसको सेंड कर देते हो, तो वो आपके डैशबोर्ड पे $500 शो करना स्टार्ट कर देगा, जिस पे आपने क्रिएट किया अकाउंट, जो भी वेबसाइट पे आपने अकाउंट क्रिएट किया या एप्लीकेशन पे अकाउंट क्रिएट किया है। जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो, वो बैक एंड से $500 शो होता है वहां पे, बट अगले दिन क्या होगा, वो $10,000 शो होना शुरू हो जाएगा, और आपके मन में लालच आ जाएगा कि यार $10,000 शो हो रहा है मेरे अकाउंट में, तो लेट्स विड्रॉ दिस मनी। जब आप विड्रॉ करने की कोशिश करोगे, वो विड्रॉ नहीं होगा। फिर वो लोग क्या करेंगे कि अगर आपको मनी विड्रॉ करनी है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि $2,000 है, फिर आप उसकी मनी विड्रॉ करनी कर लोगे, एक सर्टिफिकेशन होता है। हालांकि ये जो चीज होती है, जो $10,000 शो हो रहा होता है, वो फेक होता है, वो बस उनके डैशबोर्ड में ही शो हो रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जिंदगी के अंदर ऐसी गलती मत करना, ठीक है। कभी भी जिंदगी में अगर आप यहाँ पे भी आते हो, कोई भी कंट्री में आते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। मुझे प्रॉब्लम ये है कि आपका जो माइंडसेट है वो क्विक रिच स्कीम वाला नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग टेक्स टाइम इन दिस वर्ल्ड, हर एक चीज इस दुनिया में टाइम लेती है, चाहे आप मेहनत करते हो, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को कि अपनी हार्ड अर्न मनी बिल्कुल लूज मत करना और अपना बेस्ट देना। कनाडा आए हो तो ऐसे क्रिप्टो करेंसी स्कैम से बच के रहना, अदरवाइज थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे क्रिप्टो करेंसी स्कैम में फंस जाओ और आपको मुश्किल हो जाए।
सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं यही चाहता था कि मैं आपको ये थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड, ट्रेडिंग के रिलेटेड और फेक चेक के रिलेटेड। अगर आपके साथ कोई क्रिप्टो करेंसी स्कैम होने की कोशिश की गई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। हाउएवर आप अपनी आइडेंटिटी ना बताना, वो डिफरेंट चीज़ है, बट आप एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना कमेंट सेक्शन में कि क्रिप्टो करेंसी का आपके साथ अगर स्कैम हुआ है तो यस कैसे हुआ है, अगर आप बचे हो तो कैसे बचे हो। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।